हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू व्लॉग में। और मॉर्निंग के 10 o'clock हो रहा है और हमारा नाश्ता पानी वगैरह सब होके फिर मिलते हैं आपको। तो आज मम्मी कर रही है खेतों में हल्दी लगा रही है और अभय वो लोग अपने लगे हुए हैं जुग लगाने में, जिसको बोलते हैं जैसे हल चलाने के बाद फिर इसको क्या बोलते हैं, हल चलाने के बाद मतलब उसको पूरा समतल करने के लिए, इक्वल करने के लिए जो लगाया जाता है वो लगे हुए हैं भाई वो लोग अपना खेलने में। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी हल्दी लगा रही है और आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। और आज के मौसम की बात करें तो बारिश आने का पूरा मौसम हो रखा है और दिखाती हूँ आपको आज का वेदर। डलिया में लेके जाएंगे फिर खेतों में रखे आएंगे। बाकी पापा देखिए, पापा भैंस को अंदर बांध रहे हैं, उनको अंदर बांधने का टाइम हो गया देखिए। और वही कर रही है, कहाँ गई मम्मी? मम्मी ये रही, मम्मी लगा रही है हिदांशु भामा, मम्मी लगा रही है हल्दी। ये देखिए गाइस मैंने क्या बना रखा है चिड़िया को फंसाने के लिए। ये देखना, एक टब रखा हुआ है और वहां पे रखे हुए छोटे से चावल के दाने, वो गिरेगी है। और गाइस हम पकड़ रहे हैं पोछी आएगी करके, और यहाँ वहाँ से आ रखी है रस्सी, वहाँ से रस्सी यूँ आ रखी है। ये देखना इसके हाथ पे, ताकि आए एकदम नीचे करे इसको, ताकि हम खींच सकें, पट से खींचेंगे कि वो टोकरी गिरेगी तब वो उसके अंदर नहीं रहेगी। बाकी ये देखिए, ये इनका जुगाड़ है चिड़िया पकड़ने का। वहाँ आ तो रहे, अरे वहाँ तो जाएगा, पानी सब सोख जाएगी। ये देखिए गाइस, यहाँ से पानी आ रहा है धरती के नीचे से, ये पीने वाला पानी है। तो गाइस यहाँ पे देखना, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, यहाँ से सीधे होते होते ये यूं जा रहा है। तो गाइस अभी यहाँ का पानी सोप लिया गया है, ये देखिए यहाँ से आ रहा है और यहाँ से डाल रखे पाइप। तो गाइस यहाँ से सारा पानी सोप लिया किसी ने, ये देखिए अभी इसमें बहुत पानी था, इसके डाल रखा है यहाँ से पाइप, यहाँ से पाइप पता नहीं किसी कहीं चला रहा पाइप। तो इस पाइप के थ्रू नीचे उसमें जा रहा है पानी टैंक में। हम इसको बोलते हैं, ये देखिए ये आ रहा है धरती के नीचे से, तो ये धरती के नीचे से आ रहा है पानी, देख सकते हो आप लोग ये पीने वाला होता है। और ये है यहाँ पे केले का पेड़, बाकी ये यहाँ का पानी व्यू है। ये देखिए बच्चे भी आ रखे हैं यहाँ पे, मछली। और देखिए उसमें कितना पानी भर रखा है, इतने से पानी से ये खेतों के लिए जाता है। पहाड़ों में ऐसे ही पानी जाता है दोस्तों, खेतों में मतलब जैसे ये पहाड़ी वाले जो इलाके होते हैं चढ़ाई वाले, तो उनमें ऐसे ही पानी का स्रोत बनाए जाते हैं। तो बाकी एक स्रोत तो ये रहा पानी का, जिसमें इसको इकट्ठा करके फिर खेतों के लिए डालते हैं इसका पानी। और ये देखिए, और ये रहा दोस्तों सिसोनिया गांव, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा गांव है, इसका नाम है सिसोनिया गांव। बाकी इसके नीचे सड़क जा रही है और हाँ उधर हाँ। और ये रहा नीचे गांव, इसको बोलते हैं झुनेला गांव, और वो स्कूल है वहाँ पे, प्राइमरी स्कूल है।
और बाकी इधर है एक गांव, ये है खत्याड़ी, ये सारा गांव खत्याड़ी है। और वो नीचे जराम बाखल वगैरह वो स्कूल है सारा। और यहाँ से देखिए सारा दिख रहा है। बाकी ये रहा हमारा चकुटिया मार्केट। अभी धुंधला धुंधला दिख रहा है क्योंकि अभी धुंध जैसी लगी हुई है, मौसम क्लियर नहीं है। मम्मी ये देखिए बादल से लगे हुए हैं। और बाकी हम लोग आ रहे हैं खेतों में। मम्मी काट रही है घास और हम भी आ रहे हैं खेतों में। पानी खाओ जाए नहीं प्लीज। किसके हैं? इसको बोलते हैं तितिर। ये देखना कितने, तो गाइस इनको छूते नहीं है वरना गाली देते हैं। कितने हैं? तीन तीन छः सात, सात अंडे हैं। ये देखिए सात से हो रखे हैं ना। ये देखिए ये मिले हमें अंडे। और यहाँ पे मैं घास काट रही थी तो यहाँ पे घास काटते काटते मिल गए तितिर के अंडे। वो पता नहीं अभी कहाँ गई है इसकी मम्मी। बाकी बच्चों को यहाँ पे रखा हुआ है, अभी अंडे से निकले भी नहीं है बाहर। और ये रहा मम्मी, इनके अंदर से निकलते भी हैं। और क्या फिर जैसे जैसे मुर्गी के नहीं होते जंगली अंडे।